तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भीषण गर्मी से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज के साथ। इस वक्त पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। यूपी में पिछले 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत की खबर है। इस बड़ी खबर पर अब डिटेल से बात करेंगे अलग अलग संवाददाताओं के साथ। और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। सबसे पहले चलते हैं असीम के पास। तो असीम, ये बताएं जिस तरह से देश में गर्मी की मार पड़ रही है और हीट वेव को लेकर भी काफी ज्यादा यहां पर परेशानी लोगों को हो रही है। असीम से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि असीम ने मौसम वैज्ञानिक से भी बातचीत की है, देखिए। अभी मॉनसून का हमारा फोरकास्ट अभी जो है पेनिनसुलर, ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया, यानी कि आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में अगले 3 से 5 दिन में एडवांस करने का उम्मीद है। और ये जो मॉनसून एडवांस करने का उम्मीद दिख रहे हैं, इसी के साथ ईस्टर्ली स्ट्रेंथन करेगी। और ये जो ईस्टर्ली स्ट्रेंथन करेगी, इससे जो अभी हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में चल रही है उसमें थोड़ा घटाई नजर में आ रही है। यानी कि आपका जो बिहार में अभी रेड अलर्ट आज चल रहा है, कल से ही हमारा मॉइस्चर पेनिट्रेट करेगा जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे और फिर येलो अलर्ट। झारखंड में हमारा आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। और ये स्थिति से हमें धीरे धीरे मॉनसून एडवांस का ईस्ट की तरफ से उम्मीद है। मैम, अभी कितने राज्यों के अंदर आपने हीट अलर्ट का वेव जो है वो जारी किया हुआ है? अगर हमारा मैप देखते हैं तो हमारा जो रियलाइज्ड भी है और ये आज का वार्निंग भी है, आपका जहां जहां रेड दिख रहा है ये सभी जगह में आपका सीवियर हीट वेव अलर्ट, मतलब बिहार तक, इसके आगे जो है वो रेन्स के एसोसिएटेड वार्निंग है। आज का जो अलर्ट है 18 जून का, वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कोर एरिया है आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने बताया बिहार झारखंड में थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी आएगी जिसके चलते कल से ही हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने की संभावना है। और वेस्ट में पंजाब, हरियाणा में जहां सीवियर हीट वेव चल रही है वहां आज से ही थोड़ा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ रही है जिसके चलते अरेबियन सी से वेस्टर्ली स्ट्रांग साउथ वेस्टर्ली मॉइस्ट विंड्स आएगी जिसके चलते थोड़ा बहुत बारिश और क्लाउडिनेस रहेगी जिसके चलते हीट वेव का स्थिति कम हो जाने का संभावना है। मगर दोनों का बीच का जो एरिया है उत्तर प्रदेश, यहां पर अभी कोई राहत का संभावना नहीं दिख रहा है। अगले 3 से 4 दिन हमारा रेड अलर्ट चलेगा, उसके बाद थोड़ा मॉइस्चर आने का संभावना है ईस्ट से, बंगाल की खाड़ी से, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत मिलने का संभावना है। तो जिस तरह से मौसम विभाग की वैज्ञानिक बता रही थी कि अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा, राहत के आसार यहां पर कम है। इस बीच जो प्रचंड गर्मी